नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपके लिए काफी अच्छी सेटिंग लेकर आए हैं, जिसकी मदद से आप अपने फोन की स्क्रीन को ब्लॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जितना हिस्सा चाहे उतना हिस्सा अपने फोन की स्क्रीन का ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप वहां पर टच करोगे दोस्तों, आपका स्क्रीन का वो हिस्सा काम नहीं करेगा। और दोस्तों इसकी आपको जरूरत क्या है, दोस्तों इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि किस तरह आप उस सेटिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं और आप इसको कहां पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है जेके कटारिया और आप देख रहे हैं टेक्निकल हेल्प। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, आप उसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों उसके बाद आपको बेल का आइकन दिखाई देगा, आप उसको भी दबा दीजिए। दोस्तों इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि यह सेटिंग किस तरह काम करती है। तो चलिए यहाँ पर मैं कोई एक वीडियो आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं धर्मेंद्र सर की ही कोई वीडियो आपको यहाँ पर प्ले करके दिखा दूँ कि आप इस सेटिंग का उपयोग किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए वाली वीडियो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी वीडियो प्ले है। अब दोस्तों अगर मैं आपको उस सेटिंग की खास बात बताऊं तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको थोड़ा प्योज करता हूँ। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से मैं इसको अपना वॉल्यूम माइनस की और अपना जो होम की है दोनों एक साथ दबाता हूँ। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों आप अपनी जितना हिस्सा चाहे आप उतना हिस्सा यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जो ब्लॉक हो जाए। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं भी आपको थोड़ा इसको देखिए फ्रेंड, आप पूरी स्क्रीन भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप कुछ ही भाग को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं भाग सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर में डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरा जो स्क्रीन का ये हिस्सा है बिल्कुल काम नहीं करेगा, आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। आप ऊपर का हिस्सा जो हमने ब्लॉक नहीं किया है वो सही तरीके से वर्किंग कर देगा। ये देखिए फ्रेंड, इसको मैं पॉज कर देता हूँ, फिर इसको प्ले कर देता हूँ, फिर पॉज, फिर प्ले। तो ऊपर का हिस्सा बिल्कुल काम करेगा, लेकिन जो आपका नीचे का हिस्सा है ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये देखिए फ्रेंड, बिल्कुल भी हिस्सा काम नहीं करा। अगर दोस्तों आप वीडियो इस तरीके से देखते हैं तो आप अपनी स्क्रीन को कुछ हिस्से को इस तरह ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे आपको अगर यहाँ पर आपकी उंगली है तो कुछ भी वर्क ना हो और आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये देखिए फ्रेंड, बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं करेगी, सिर्फ आपकी जहाँ पर आपने इसको ब्लॉक नहीं किया है वहीं स्क्रीन इसकी काम करेगी। देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि आप इसको जो आपने अपनी स्क्रीन ब्लॉक की थी उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आपको फिर दोबारा वही प्रोसेस करना है, आपको अपना वॉल्यूम माइनस और होम की एक साथ दबा देनी है। अब दोस्तों दबाने के बाद ये देख फ्रेंड, मैं आपको दबा के दिखा दूँ, देखिए ये रिमूव हो चुका है। अब दोस्तों आपके फ़ोन का पूरा स्क्रीन जो है वो काम करने लग जाएगी। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि हम इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है, और तो सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है एसेसिबिलिटी, देखिए ना फ्रेंड ये रहा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर है डेक्सटिनिटी एंड इंटरसेक्शन, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आपको नीचे मिल जाएगा ऑप्शन इंटरसेक्शन कंट्रोल, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होगी, आप इसको ऑन कर दीजिए। अब दोस्तों ऑन कर दीजिए, जैसे आप वॉल्यूम माइनस और आपको होम की दबाओगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। जितनी भी आप स्क्रीन सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो ब्लॉक करना चाहते हैं आप, उतनी स्क्रीन यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर दोस्तों उसको ब्लॉक कर दीजिए। दोस्तों इस तरीके से जितनी स्क्रीन आपने ब्लॉक की है उस हिस्से में आपकी टच काम नहीं करेगी, आपकी पूरी स्क्रीन ब्लॉक हो जाएगी। जितनी स्क्रीन फ्रेंड्स आप चाहते हैं उतनी स्क्रीन यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन को ब्लॉक करने के बाद अपनी किसी वीडियो यूट्यूब पर प्ले कर सकते हैं, आप कहीं पर भी प्ले कर सकते हैं, वहाँ पर वो हिस्सा काम नहीं करेगा। जहाँ दोस्तों ये छोटी सेटिंग जिसके द्वारा आप अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।